गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट द होम. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ऑफ क्लास 6 एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 8 व्हिच इज द बेड, मतलब शक. सो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन 2 or 3 पार्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन द चैप्टर एज वेल एज फॉर यू. The Bat is an 1889 short story by Anton Chekhov about a banker and a young lawyer who make a bet with each other about whether the death penalty is better or worse than life in prison. The Bat जो है एक बैंकर और एक युवा वकील के बारे में कहानी है जिसको कि एंटोन चेकोव ने लिखा है 1889 में. अब इस जो स्टोरी में इसका कंसेप्ट क्या है कि ये जो बैंकर और जो यंग लॉयर था ये दोनों शर्त लगाते हैं कि मौत की सज़ा जेल के जीवन से बेहतर होती है या बदतर. सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, ये एक अंधेरी शरद ऋतु की रात थी. द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी एंड रिमेंबरिंग हाउ 15 ईयर्स बिफोर ही हैड गिवन अ पार्टी वन ऑटम इवनिंग. जो बूढ़ा बैंकर था वो अपनी पढ़ाई कर रहा था और कुछ अपनी चीज़ें याद कर रहा था 15 साल पहले की, कि कैसे उसने एक शरद ऋतु की शाम को पार्टी दी थी. देयर हैड बीन मैनी क्लेवर मैन देयर एंड देयर हैड बीन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन. वहाँ पर कई सारे समझदार, कई सारे चतुर व्यक्ति थे और उनके बीच में काफ़ी रुचि पूर्वक जो है बातचीत चल रही थी. अमंग अदर थिंग्स दे हैड टॉक्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, और भी कई सारी जो बातों के साथ साथ एक मृत्युदंड की भी उन्होंने बात करी. The majority of the guests, among whom were many journalists and intellectual men, disapproved of the death penalty. उसमें से बहुत सारे लोग थे, majority मतलब जो मेहमान थे उनमें से जो ज़्यादातर लोग थे, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल जो लोग हों, वो किस चीज़ से सहमत नहीं थे, वो डेथ पनिशमेंट से सहमत नहीं थे. In the opinion of some, them the death penalty ought to be replaced everywhere by imprisonment of life for life. इनमें से कई सारे इस मत के थे कि जो मृत्युदंड है इसको समाप्त कर देना चाहिए और इसकी जगह पर imprisonment मतलब कि जेल में सजा दे देनी चाहिए. I don't agree with you. मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, said their host the banker. जो बैंकर का होस्ट था उसने ये चीज़ बोली. Capital punishment kills a man at once. बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट किल्स हिम स्लोली. जो मृत्युदंड होता है वो इंसान को एक बार मार देता है, लेकिन अगर आपने उसको कैद कर दिया, कैदी बना दिया, तो उससे वो धीरे धीरे मरता है. वो था इक्वली इमोरल, दोनों ही नैतिक नहीं हैं, दोनों ही अनैतिक हैं, बराबर रूप से अनैतिक हैं. ऑब्जर्व वन ऑफ द गेस्ट, फॉर दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट टू टेक अवे लाइफ. द स्टेट इज़ नॉट गॉड, इट हैज़ नॉट द राइट टू टेक अवे वॉट इट कैन नॉट री स्टोर वेन इट वॉन्ट्स टू. जो गेस्ट आए हुए थे उनमें से एक ने ये बोला, एक मेहमान ने ये बोला कि क्योंकि उन दोनों के पास जीवन को दूर करने का एक ही उद्देश्य है. जो स्टेट होता है, राज्य होता है, वो भगवान नहीं होता और इसको वापस लेने का अधिकार नहीं होता. जब वो चाहता है तो इसे बहाल नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता. अमंग द गेस्ट वॉज अ यंग लॉयर, अ यंग मैन ऑफ 25. और जो गेस्ट थे उनमें एक यंग लॉयर था, एक वकील था, यंग था वो, उसकी उम्र 25 साल थी. व्हेन ही वॉज आस्क्ड हिज ओपिनियन ही सेड द डेथ सेंटेंस एंड द लाइफ सेंटेंस आर इक्वली इमोरल. जब उससे उसकी ओपिनियन के बारे में पूछा गया, उसकी राय के बारे में पूछा गया, तो उसने बोला कि मृत्यु की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा दोनों ही समान रूप से अनैतिक हैं. बट इफ़ आई हैड टू चूज बिटवीन द डेथ पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आई वुड सर्टेनली चूज द सेकेंड टू लिव एनी हाउ इज़ बेटर देन नॉट टू ऑल. लेकिन अगर मुझे सज़ाए मौत या फिर आजीवन कारावास में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो मैं निश्चित रूप से ही आजीवन कारावास को चुनूंगा, क्योंकि किसी भी तरीके से जीना नहीं जीने से बहुत बेहतर है. अ लाइवली डिस्कशन अरोज, एक जीवन चर्चा शुरू हो गई. द बैंकर हु वॉज यंगर एंड मोर नर्वस इन दोज डेज वॉज सडनली कैरिड अवे बाय एक्साइटमेंट. जो वो बैंकर था उन दिनों काफ़ी छोटा था और बहुत ज़्यादा नर्वस था, अचानक
उसको एक्साइटमेंट हो गया और उसकी बात काफ़ी आगे पहुंच गई। ही स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस्ट एंड शाउटेड एट द यंग मैन, इट्स नॉट ट्रू, आई बेट यू 2 मिलियंस यू वुडंट स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 5 ईयर्स। अब जो वो बैंकर था उसने उसे यंग लॉयर को बोला, उसने सबसे पहले अपने जो टेबल थी उस पर पंच किया, मुट्ठी से मारा और व्यवहार पे चिल्लाया कि जो तुम कह रहे हो ये सच नहीं है, मैं तुमसे 2 लाख रुपए की शर्त लगाऊंगा कि अगर तुम 5 साल तक एकांत कारावास में रहोगे तो मैं तुम्हें 2 मिलियंस दूंगा। इफ़ यू मीन दैट इन अर्नेस्ट सेड द यंग मैन, इसका मतलब यह है आई विल टेक द बैट बट आई वुड स्टे नॉट 5 बट 15 ईयर्स। और उसने अपने एक्साइटमेंट में बोला कि मैं आपसे शर्त आपकी जो है मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं 5 नहीं बल्कि 15 साल रहूँगा। क्राइड द बैंकर, जेंटलमैन आई स्टेक 2 मिलियंस, एग्रीड यू टेक योर मिलियंस एंड आई स्टेक माई फ्रीडम, सेट द यंग मैन। तो इसके बाद जो है ये बात उनमें क्लियर हो गई, उन्होंने जो बैंकर था उसने पार्टी में जो भी लोग आए हुए थे उसने उनके सामने बोला कि सज्जन जितने भी जेंटलमैन्स हैं मैं जो है 2 मिलियंस दाव पर लगाता हूँ, आप जो है अपने लाखों लेते हैं और मैं अपनी आज़ादी दाव पर लगाता हूँ, ऐसा युवक ने बोला। एंड दिस वाइल्ड सेंसेस वेट वॉज कैरिड आउट, और ये इतनी वाइल्ड मतलब बेहुदा जो दाव है वो खेला गया। द बैंकर्स फर्ल्ड एंड फ्रिवलस, मतलब जो बैंकर था वो विद मिलियंस बियॉन्ड द रिकॉर्निंग वॉज डिलाइड एट द बेट, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंकर खराब और तुच्छ था उसकी मतलब उसकी गणना से परे लाखों लोग थे लेकिन वो शर्त से प्रसन्न था। एट सपर, सपर का मतलब होता है रात का खाना, ही मेड फन ऑफ द यंग मैन एंड सेड थिंक बेटर ऑफ इट यंग मैन वाइल देयर इज स्टिल टाइम। अब उसने जो है रात के खाने में उस यंग मैन का मजाक उड़ाया और उसको बोला कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम सोच लो, बेहतर सोच लो। टू मी 2 मिलियंस आर अ ट्रिफल बट यू आर लूजिंग 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। उसने बोला कि तुम इसके बारे में सोच लो, अभी भी समय है मेरे लिए, तो ये जो पैसे हैं ये नॉमिनल है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्षों में से 3-4 साल खो रहे हो। फिर उसने बोला आई से 3 or 4 बिकॉज यू वॉन्ट स्टे लॉन्गर, मैं 3 और 4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इससे ज़्यादा नहीं रहोगे। डोंट फॉरगेट आइदर यू अनहैप्पी मैन दैट वॉलंटरी कन्फाइनमेंट इज़ अ ग्रेट डील हार्डर टू बियर दैन कंपल्सरी। और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला कि तुम्हें कभी भी मत भूलना कि जो स्वैच्छिक कारावास है मतलब अपनी इच्छा से लिया हुआ जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो कंपल्सरी इम्प्रिजनमेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन होता है। द थॉट दैट यू हैव द राइट टू स्टेप आउट इन लिबर्टी एट एनी मोमेंट विल पॉइजन यू होल एग्जिस्टेंस इन प्रिजन, आई एम सॉरी फॉर यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी क्षण स्वतंत्रता के से बाहर निकलने का अधिकार है और आपके पूरे जो आपका पूरा एग्जिस्टेंस है उसमें जहर घुल जाएगा अगर आप इम्प्रिजन हो जाओगे। देन ही रिमेम्बर्ड वॉट फॉलोड दैट इवनिंग, और उसके बाद में उसने सोचा, उसको याद आया कि शाम के बाद क्या हुआ। ही वॉज डिसाइडेड दैट द यंग मैन शुड स्पेंड द ईयर्स ऑफ हिज कैप्टिविटी अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट सुपरविजन इन वन ऑफ द लॉजेस इन द बैंकर्स गार्डन। और फिर उसको याद आया कि शाम के बाद क्या हुआ, उसने ये तय किया, उसमें तय किया गया था कि उसकी कैद के वर्षों को मतलब जो भी वो इम्प्रिजन जिन भी सालों में रहेगा उसमें बैंकर का जो बगीचा है उसमें सख्त जो सुपरविजन है उसके तहत बिताएगा। इट वॉज एग्रीड दैट फॉर 15 ईयर्स ही शुड नॉट बी फ्री टू क्रॉस द थ्रेस होल्ड ऑफ द लॉज टू सी ह्यूमन बींग्स टू हियर द ह्यूमन वॉइस। तो इस तरीके से ये जो है फाइनल किया गया कि इन सालों में वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, ना ही वो किसी इंसान को देख सकता है, ना ही वो किसी इंसान की वॉइस सुन सकता है, ना ही वो लेटर रिसीव करता है, ना ही उसको न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेगा। सो दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल ट्राई टू कम्प्लीट द चैप्टर फॉर यू, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज़ क्वाइट लेंथी चैप्टर। So thank you and have a nice day. Bye-bye.